आप देख रहे हैं crime100news.com, हर खबर सच के साथ। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पूर्वी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पूर्वी की फिलखाना थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड में बीते दिनों हुई करोड़ों की टप्पेबाजी के आरोपी को फिलखाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी देते हुए DCP पूर्वी शिवाजी ने बताया कि दिनांक 23 नवंबर 2022 चमनगंज निवासी नदीम द्वारा बताया गया कि उनके साथ सोने की टप्पेबाजी हुई है, जो कि लगभग करोड़ों का माल है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत करके थाना फिलखाना इंस्पेक्टर अमित कुमार भड़ाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 दिन में ट्रांसपोर्ट नगर जूही निवासी आरोपी ऋतिक राज वर्मा कुमार सहित गिरफ्तार कर लिया। वसीम अहमद की रिपोर्ट। एक अभियुक्त ऋतिक राज, इसने हमारा करीब 2.5 किलो सोना और 25 लाख रुपया ले लिया है और इस सोने को गिरवी रखाने के नाम पर ले गया, उसके बाद धोखा देकर के हमें इसको लेकर के फरार हो गया है। इस सूचना पर 406 का अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल इसके लिए एक टीम तैयार की गई। थाना प्रभारी सहित उनकी टीम ने बड़ा अच्छा गुडवर्क किया है ये कि इसको ले जा कर के काफ़ी प्रयास के बाद इसको ट्रेस कर लिए और आज सारा माल और पैसा ये बरामद कर लिए हैं। ये सर कहाँ गए थे? इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था? नहीं, इसके पहले का इसका कोई बैकग्राउंड नहीं। इसके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं या अकेले थे? नहीं, इसने अकेले ही ये काम किया। सर ये कितने लाख की रिकवरी होगी? ये लगभग 1.5 करोड़ की रिकवरी हुई है, जिसमें सोना और 25 लाख रुपया मालूम। इनाम में कुछ घोषित किया गया? हाँ, CP सर के द्वारा इसमें 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ठीक है।